शिवपुरी पुलिस ने बामोर कला में हुए रिटायर्ड फौजी के अंधे कत्ल का पर्दाफाश किया। पुलिस ने बताया कि फौजी की हत्या उसके दोस्त ने अपने साथियों के साथ मिलकर की। दफीने का लालच देकर वह उसे ले गया था, बाद में उसके ही घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मामले को लेकर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी अभी फरार बताए गए हैं। दरअसल 5 जून को एक खेत में बने कुएं में कारगिल युद्ध लड़ने वाले रिटायर्ड फौजी का शव मिला था। हमारे एसडीओपी दीपक कुमार और थाना प्रभारी मामू चला, उन्हीं को आज इनकी टीम ने इसको लगातार पीछे लगे तो ये जानकारी निकालने में पता चला कि राम भी या तो हमेशा साथ में इनके रहता था और वो घटना विधान से गायब है। तो संदीप की जब तलाश की गई तो 7 तारीख को कल सूचना मिली कि दुनियादाना मंडी के पास में कहीं छुपा हुआ है। दबिश दी गई थाना प्रभारी द्वारा, उसको पकड़ा गया है। उसके साथ में केपी यादव और तेजपाल यादव, ये 3 लोग पकड़ा है। उनसे पूछताछ में ये खुलासा हुआ, उस रामवीर यादव ने कबूल किया कि ये चूँकि चुनाव में भी लड़ने के लिए मन बना रहे थे फॉर्म भरने के लिए, उनके पास पैसा काफ़ी है, वो है काफ़ी। इस बात की जानकारी से अपने दोस्तों को दी थी, लेकिन बिल्कुल प्लान किया था कि इसे किसी भी तरीके से अपनी तरफ बुला लें। इन्होंने उसको दफीना की बात करी कि दफीना वहाँ पर है, अपने दफीना घूमने चलना है। तो सूबेदार साहब जो है वहाँ साथ में चले गए अपनी मोटरसाइकिल लेके, तो वहाँ पर उन्होंने फिर उसको मौका देके चारों ने 5 लोगों ने उनका गला जबरदस्ती से दबा दिया और फिर पानी में उनको डाल दिया।